मध्य प्रदेश के दो शहर देश के सबसे साफ शहरों की फहरिस्त में पहले और दूसरे पायदान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत को लेकर मिशन मोड में होने का दावा करते हैं, साथ ही बेटी पढ़ाने और बेटी बढ़ाने का नारा भी देते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन इंदौर शहर के मध्य छावनी क्षेत्र में व्यापारी के साथ ही बारदान मजदूर खुले में शौचालय जाने को मजबूर है। वहीं व्यापारियों ने निगम को कई बार आवेदन दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा था तो फाइबर टॉयलेट रख दिए गए थे, लेकिन अब वो भी उठा लिए गए हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत रैंकिंग में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं स्वच्छ भारत के तहत ये सिटी रैंकिंग की जा रही है। आने वाले समय में केंद्र इसमें अपना इनपुट देगा और इन शहरों के डेवलपमेंट पर काम करेगा। इस योजना में 434 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश ने बाजी मारी थी। यहाँ पे कई सालों से हमने जो डिमांड कर रखी है, शौचालय या फिर कोई यूरिनल, उसकी डिमांड कंसर्न मेरे ख्याल से 20 साल से हम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं बना। नगर निगम को कई बार जोन पे हमने ज्ञापन भी दिया है, और ये जो एरिया पूरा है इसमें कम से कम मैं कहता हूँ कि मजदूर और व्यापारी मिला के 500 से 700 लोग काम करते हैं, तो यूरिनल वो जाएंगे कहाँ? कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, जिसका ध्यान हमने कई बार आकर्षित किया है, लेकिन उसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक इतने दिनों के बाद भी कोई भी यूरिनल यहाँ पे बना नहीं है, जबकि हमारे महापौर जी बड़े बड़े डंके से इस चीज़ को मानती हैं कि हमने नंबर एक जो है इंदौर को लाया है। ये नंबर एक लाने के बाद क्या फिर उन्होंने अपनी जवाबदारी छोड़ दी क्या? आप बता रहे थे यहाँ कुछ दिनों के लिए शौचालय बनाया गया था। हाँ, अभी जब प्रधानमंत्री जी आ रहे थे तब उन्होंने टेम्प्ररी यहाँ पे फाइबर वाले कुछ शौचालय और यूरिनल रखे थे, जो कि अभी उनके दौरे के बाद इमीजिएटली उठा के मिलेगा। ठीक, नाम बताइए आप। परमानंद वलेचा, इंदौर चावल व्यापारी संघ अध्यक्ष। यहाँ पर जिस स्थान पर आप खड़े हैं, यहाँ पर अनाज से लेकर दाल चावल, बारदान, मिर्ची वगैरह का व्यवसाय चलता है। यहाँ पर 500 से 600 दुकानों का व्यवसाय है, और महिलाओं के साथ में यहाँ पर छोटे बड़े मजदूर वर्ग करीब 1500 के आसपास जो वर्ग है वो यहाँ पर कार्यरत है। इस स्थान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए, उस दिन से यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था खत्म कर दी गई। उसके पहले जब तक इंदौर को स्वच्छता अभियान का पहला नंबर नहीं मिला था, अवार्ड नहीं मिला, तब तक किसी स्थान पर फाइबर के बाथरूम रखे गए थे जो लोगों के लिए थे। जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री यहाँ से गए, उसी दिन शाम को यहाँ से फाइबर के बाथरूम बैठा दिए। आज करीब महीना भर होने को आ गया, यहाँ पर एक बाथरूम नहीं है। इस स्थान की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि यहाँ की महिलाएं सोच करने के लिए खुले में सोच करने जाती, जबकि हमको पूरे इंदौर को नंबर वन पर ला के खड़ा करा है और महिलाओं के लिए सोच। आपने कहीं लिखित में शिकायत दी है नगर निगम को कि हमें परमानेंट या सुलभ कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है? विशेष तौर पर यहाँ पर व्यापारियों से हस्ताक्षर युक्त एक पत्र लिया था, जिसमें 4 पन्नों का पत्र था, वो नगर निगम में जमा करा है, आवेदन दिया है। आज भी सुबह को मेरी पंकज जी जो यहाँ के एसआई हैं उनसे चर्चा हुई। यहाँ पर करीब 300 व्यापारी व्यापार करते हैं इस पूरे कलाली मोहल्ला के छोटे से क्षेत्र में, और लोगों के लिए यहाँ पर शौचालय जैसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद हटा दी। समझ में नहीं आया कि जब इतनी जगह सब जगह शौचालय बन रहे हैं, मूत्रालय बन रहे हैं, तो यहाँ से क्यों हटा दिया? यहाँ 1000 मजदूर काम करते हैं, उन सबके लिए चाहिए, भाइयाँ काम करते हैं, उनको व्यवस्था चाहिए, कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही।